जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पास एक सफ़ेद मोतियों की माला है। हमने इस पर चार का पहाड़ा दर्शाने के लिए हर चौथी बीड पर एक क्लचर का प्रयोग किया है। उसके बाद 5, 6, 7 और 8वीं बीड पर फिर से एक क्लचर का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से 9, 10, 11, 12वीं बीड पर, 16वीं बीड पर, 20वीं बीड पर, 24वीं बीड पर हमने रंग बिरंगे क्लचर्स का प्रयोग किया है। ऐसे ही हम एक और माला लेते हैं और इसके बराबर रखते हैं। यहाँ हमने 6 का पहाड़ा दर्शाया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6वीं बीट पर पहला क्लचर, इसी प्रकार से 12वीं बीट पर दूसरा क्लचर, 18वीं बीट पर तीसरा क्लचर और 24वीं बीट पर चौथा क्लचर हमने यहाँ पर रखा है। यदि हम इन दोनों मालाओं को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ ये दोनों क्लचर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। ये है 12वां क्लचर यहाँ भी और यहाँ भी, और ये है 24वां क्लचर जिस पर दोनों मालाओं पर 24वीं बीट पर क्लचर आया है। इसका अर्थ ये है कि 4 और 6 इन दोनों संख्याओं का जो सबसे सांझे गुणज हैं वे हैं 12 और 24। ये हैं इनके सांझे गुणज, और यदि हमें निकालना हो इनका सबसे छोटा सांझा गुणज जिसे कि हम लघुत्तम कहते हैं तो वह होगा 12। देखा आपने, एक छोटी सी क्रिया से हमने दो संख्याओं का LCM यानी कि लघुत्तम इन मालाओं के मोतियों के द्वारा ही ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से आप और भी कई सारी संख्याओं को मालाओं के बीट्स के जरिए क्लचर लगा के आपस में उनका कंपेयर करके हम उनका लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं।